नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहे होंगे। अभी से ही गर्मियां कितनी तेज़ हो गई हैं, है ना। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गर्मियों के लिए कोई ऐसी क्रीम जिससे गर्मियों की वजह से जो भी डल स्किन हो जाती है ना, वो तो ब्राइट हो और साथ के साथ सनस्क्रीन का भी काम करे, सन से प्रोटेक्ट भी करे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डे क्रीम की जो आपकी स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करती है और साथ के साथ आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट भी करती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्विक लाइट स्किन लाइटनिंग क्रीम की। ये SPF 15 के साथ आती है। ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। ये 25 ग्राम की पैकेजिंग में आपको 350 में इजीली मिल जाएगी। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट है और इसमें है नियासिनामाइड। तो बिल्कुल सेफ है, स्टेरॉइड फ्री क्रीम है, हाइड्रोक्विनोन फ्री क्रीम है, किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करती कि छोड़ देने के बाद में आपकी स्किन फिर से डल हो जाए, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन का भी यूज़ किया गया है। तो इसको सिर्फ आपको दिन के टाइम ही इस्तेमाल करना है, अपने फेस को वॉश करना है और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के अपने चेहरे पे लगा लेनी है, बस इतना करना है। और इसके रेगुलर यूज़ से देखिए आपकी स्किन जो भी डल है वो तो निकलेगी, दोबारा आएगी, पील नहीं करेगी आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें इतना क्वांटिटी ग्लाइकोलिक एसिड की यूज़ नहीं की गई है। आपकी स्किन को सीधे ये स्मूथ करती है, लाइट ब्राइट करती है। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक एज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है 14 की एज के बाद में। तो मेल फीमेल हर कोई यूज़ कर सकता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, डे क्रीम कोई ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इन समर्स के लिए आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।